अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सारास ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब माशाल्लाह से ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधा किलो दही ले लिया, ठीक है इस तरह से, और ये हमने बूंदी ले ली है, ये हमने आलू ले लिए हैं बॉयल करके, इनको इस तरह से काट लिया। ये हमने एक प्याज ले लिया है, इसको चॉप कर लिया है, ये मिर्चें हैं, धनिया है, और ये बंद गोभी है, इसको भी हमने काट लिया। इसमें हम हरे धनिया की चटनी, इसमें है हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, धनिया है और मिर्चें, सब जो स्पाइसेस है वो हैं, डाल के हमने इसको बनाया, ठीक है। और जनाब हम आपको बताएँगे। तो जी ये है, ये लाल मिर्च हमने ले ली है आधी चम्मच, ये नमक है हसब ज़ायका आपने इस्तेमाल करना है, गरम मसाला हमने हाफ टी स्पून ले लिया आधी चम्मच, और ये ज़ीरा ले लिया हमने आधी चम्मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम दही जो है वो लेंगे, उसमें हम ये चटनी जो है इसको डालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमने इसमें चटनी डाल दी है, अब जो ये स्पाइसेस हैं ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही मैंने खुद घर बनाया हुआ है, खुद बनाती हूँ मैं जैसे कि आप जानते हैं, तो इसमें बिल्कुल खटास नहीं है, बहुत अच्छा दही जमता है। चलिए इसको मिक्स। तो जी दोस्तों हमने इनको मिक्स कर लिया, अब हम ये बूंदी जो है ये आप घर पे बना सकते हैं बेसन की, ठीक है, और वो भी मैं किसी दिन बताऊंगी आपको। ये फ़िलहाल बाज़ार से ली हुई है रेडीमेड बूंदी है, इसको पानी, गर्म पानी में भिगो के रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हम इसको पानी में निकाल के इस तरह से निचोड़ के, ठीक है, तो इसमें डालेंगे। ये सारी बूंदी हमने इसमें डाल दी, ठीक है, पानी निकाल के इस तरह से, तो हमने इसको उसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से निचोड़ के ताकि पानी जो है वो ना उसमें चला जाए, ठीक है। चलिए ये हमने डाल दिए, अब हम क्या करेंगे, पोटैटो आलू जो है वो हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये है कैबेज, जो बंद गोभी हमने काटी थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसमें कुछ भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं अब। तो जी दोस्तों ये हमने जो है धनिया और ये हरी मिर्च जो हमने काटी थी बारीक, उसको हमने शामिल कर देना है इसमें, ठीक है। और फिर ये प्याज जो है, ठीक है, इसको हमने काट के अच्छे से धो लिया था। जब प्याज को हम धोते हैं तो उसको थोड़ा सा पानी उसमें कर देते हैं हम, पानी नमक डाल के, ठीक है, उसमें नमक डाल के अगर धोएँ तो आपका वो प्याज जो है उसमें जो कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसको धोएं तो बहुत अच्छा ये और मीठा बनता है, ठीक है, अच्छे से धुलता है। चलिए हमने इसमें डाल दिया, चलिए चलिए सारा कुछ डाल दिया, अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। तो बहुत आसान ये रेसिपी है और जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसी से हमने इनको बनाया है, तैयार किया है। तो मेरी कोशिश होती है जो चीज़ें घर पे मौजूद हैं उन्हीं से फ़ायदा उठाया जाए और बहुत अच्छी चीज़ें बनाई जाएँ, ठीक। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए हमारे दही बड़े रेडी हैं, तैयार हैं खाने के लिए। तो ये जनाब आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा रेसिपी। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, बहुत अच्छी और आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ आपके लिए। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सारा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।